राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जानी मानी रंगकर्मी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डायरेक्टर अनुराधा कपूर। डॉक्टर अनुराधा कपूर जानी मानी रंगकर्मी और NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की निदेशक हैं। दिल्ली में पली बड़ी अनुराधा का करियर अभिनय से शुरू हुआ। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर अनुराधा इंग्लैंड पहुंची, जहां से उन्होंने रंगमंच की बारीकियां सीखी। अनुराधा कपूर बचपन से ही थिएटर के प्रति आकर्षित थी। परिवार में माँ और पिता दोनों का ही थिएटर से गहरा जुड़ाव था। कितना अच्छा लगता है जब तुम सहेलियों के संगीत गाते हो। अगर मुझे नाटक करने की छूट होती तो मैं और तुम सहेलियां बनते, हाथों में हाथ डाले समुद्र के किनारे खूब दौड़ते। मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में अभिनय से करियर की शुरुआत करने वाली अनुराधा का झुकाव अभिनय से ज्यादा निर्देशन की तरफ रहा। 1989 में विवादी समूह की स्थापना के साथ अनुराधा कपूर चित्रकारों, संगीतकारों, रंगकर्मियों और लेखकों को एक ही मंच पर लाईं और विवादी के बैनर तले कई प्रयोगधर्मी काम किए। अनुराधा लंबे समय तक NSD में विश्व रंगमंच पढ़ाती भी रही हैं। 2004 में बेहतरीन निर्देशन के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा जा चुका है। थिएटर को पेशा ही नहीं अपना पैशन मानने वाली अनुराधा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी थिएटर की शिक्षा दे रही हैं। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। मुझे बताइए कि ये जो थिएटर के साथ आपका प्यार है, ये कब और कहाँ से शुरू होता है, एक ब्रीफ जर्नी यहाँ तक पहुँचने की। जर्नी तो जैसे मैं, मुझे लगता है हम सब की एक स्कूल टाइम में शुरू होती, तो मेरी भी स्कूल ही टाइम में शुरू हुई। और हमें स्कूल में ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ी, कि हम थिएटर करें, पर साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी मिली जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए एक तरह से मार्गदर्शन ही हुआ कि मैं जब स्कूल में थी और ख़त्म कर रही थी तो ओम शिवपुरी जी और सुधा शिवपुरी स्कूल में पढ़ाने आए। तो नाटक का शौक तो था ही, पर उस दौरान दिशांतर की फॉर्मेशन भी हुई। तो मैं जो आधे अधूरे का पहला मंचन था दिल्ली में और हिंदी में, शिवपुरी जी के साथ मैंने उसको किया, और मैंने उस वक्त बिन्नी का रोल किया था। मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही थी, तो तब से एक तरह से ये मन में साफ तो होता गया कि थिएटर से एक ऐसा जुड़ाव है या ऐसा एक पैशन है जिसको आगे ले जाना होगा। तो वो किया, बहुत साल मैंने दिशांतर के साथ काम किया। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च की और बाहर इंग्लैंड में जाके थिएटर में MA किया, वापस आके NSD ज्वाइन किया। और उस वक्त मुझे लगता है मेरे और मेरे स्टूडेंट्स में कोई 4-5 साल का शायद फ़र्क भी ना हो, तो तब से पढ़ाना भी हुआ है और डायरेक्शन भी हुआ है। पहले एक्टिंग थी, एक्टिंग अब कम होती गई और डायरेक्शन ज़्यादा बढ़ता गया। आपने कहा कि मॉडर्न स्कूल में आप पढ़ी, वैसे आप हैं कहाँ की रहने वाली? दिल्ली के ही हैं, मेरे पेरेंट्स तो लाहौर और गुजरांवाला के थे। मेरे फादर मॉडर्न स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो कुछ ऐसा मेरा ख्याल है मौका रहा। उस वक्त दिल्ली में बहुत एक्साइटमेंट भी थी आर्ट्स की, मुझे मालूम है। छोटे मैं खाली स्कूल में 10-12 साल की होंगी, पर IFACS में नाटक, उत्पल दत्त के नाटक, ये सब देखने का मौका मिलता था। 60s में तो आपको मालूम ही है कि एक तरह से एक नई एनर्जी हिंदी थिएटर में, उर्दू थिएटर में आई थी उस वक्त। मोहन राकेश, गिरीश कारनाट के ट्रांसलेशंस, तो ये एनर्जी जो दिल्ली की थी वो उस वक्त महसूस किया। और मेरे पेरेंट्स को थिएटर में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे फादर बड़े लंबे टाइम तक 3 Arts Club से भी जुड़े रहे थे, तो एक तरह से थिएटर जिंदगी में सिर्फ हॉबी के तौर पे ना होके काफ़ी पैशन के तौर पे था। इस वक्त जो हम काम कर रहे थे वो मॉडर्न इंडियन थिएटर के बेस्ट राइटिंग पे काम कर रहे थे, तो शिवपुरी जी बहुत एक तरह से हार्ड टास्क मास्टर थे। और हमें एक और मौका मिलता था, उस वक्त दिनेश ठाकुर अशोक का रोल करते थे, मैं मिन्नी का रोल करती थी, और ऋचा व्यास किन्नी का रोल करती थी। और साथ ही साथ हर रिहर्सल में
मोहन राकेश भी बैठते थे, मुझे याद आता है कि बहुत रिगरस टेक्स्ट एनालिसिस और हर चीज को सब टेक्स्ट के बारे में बातचीत। तो एक तरह से हमारी जो स्टूडेंटहुड था या कहें कि थिएटर में एक लर्निंग एक्सपीरियंस, वो मुझे बहुत क्लियरली याद है। जी, आपने हार्ड टास्क मास्टर तो कहा ओम शिवपुरी जी को, इसके अलावा भी थिएटर को लेकर उनकी जो अवधारणाएं, जो उनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और उनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का, वो आज के माहौल से अगर कंपेयर करें तो उसमें कौन सी ऐसी अनोखी बात थी जो ओम शिवपुरी के थिएटर को अलग बनाती थी? मुझे एक चीज़ तो बहुत क्लियरली एक तरह से पर्सनल एक्सपीरियंस के वाया लगता है कि ओम जी के जो टेक्स्ट पे पकड़ थी वो बहुत ही स्पेशल थी और आउटस्टैंडिंग थी, एक तरह से रिमार्केबल थी। और उनका जो तरीका था, चाहे वो बिल्कुल क्लासिक स्टैनिस्लावस्कियन तरीका था, आप यूनिट बनाएं, यूनिट के बारे में नोट्स करें, उसके बारे में सोचें, टेक्स्ट को ब्रेक करें, पर वो जो एक तरह से एनालिसिस की एबिलिटी, टेक्स्ट एनालिसिस जिसको हम आज कहते हैं, तो वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत ही पैशन के साथ वो करते थे। तो मुझे ये लगता है कि आज जब हम टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, हम मेथड्स तो वही फॉलो करते हैं, पर जो उनकी एक स्पीच की समझ है वो बहुत स्पेशल थी और वो कम्युनिकेट किया करते थे उसको, और हम उनसे सीख भी जाते थे कि किस तरह से पॉज को समझें, किस तरह से ऑब्जेक्टिव को समझें। और हालांकि ये सब टूल्स आज भी इस्तेमाल होते हैं। और तब जब आप ओम शिवपुरी की बात करती हैं तो उन्हीं के जो समकालीन जो दूसरे लोग हैं उनमें कौन ऐसे लोग आप पाती हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे थे उस दौर में? तो सुधा शिवपुरी ही कर रही थी, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं 68 से लेके 71-72 तक हमने कितने आधे अधूरे के शोज किए, तो आधे अधूरे में मेरा प्राइमरी एक तरह से कमिटमेंट रहा था। पर जैसे हमने कंजूस भी किया उनके साथ उस वक्त, जैसे बीएम शाह राइट भी करते थे, प्ले राइट भी थे, डायरेक्ट भी करते थे। और कारण जी के हाईवदन का मुझे ये याद है कि एक तरह से हमें, जब हमने वो हाईवदन देखा, उनका म्यूजिक सुना, बडोला जी को गाते हुए सुना, तो एक पूरी दुनिया अलग सी खुल गई। और मुझे ये लगता है कि ये देशांतर की स्पेशलिटी थी कि इतने सारे लोग उस वक्त, निर्देशक भी, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी, एक स्पेशल समझ के साथ, एक स्पेशल पैशन के साथ कि एक नया दौर हिंदी थिएटर का आ रहा है। उस वक्त ये हम सब महसूस किया करते थे, हम यंगर जनरेशन, उस वक्त हम यंगर जनरेशन थे। तो उसमें दिनेश मैंने कहा, रवि बासवानी, बनवारी तनेजा, और फिर बाद में हेमा सहाय भी जुड़ी। तो एक तरह से हमारी अर्ली एजुकेशन देशांतर के साथ ही हुई। आपने कहा कि जो शुरुआती थिएटर के साथ आपका जो इंटरफेस है वो एक्टिंग से है जी, लेकिन धीरे धीरे करके एक्टिंग आपकी शायद पीछे चली गई और फिर डायरेक्शन को आपने अपना प्राइमरी एक एजेंडा बनाया। ये जर्नी क्या है और ये एहसास और ये रियलाइजेशन आपको क्यों और कब हुआ कि एक्टिंग नहीं बल्कि आपको डायरेक्शन में जाना होगा? मुझे लगता है कि मेरे जनरेशन के लोग जो पहला संबंध थिएटर के साथ या पहला जुड़ाव शुरू होता है एक्टिंग से होता है। मैं एक्टिंग बहुत इंजॉय भी किया करती थी और मुझे बहुत उसमें जो सारा एनालिसिस है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मज़ा आता था मुझे। पर धीरे धीरे जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया थिएटर पे, बाहर जाके मैंने एमए किया, तो मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में भी था। और वो इंटरेस्ट सिर्फ बाहर जाके, इंग्लैंड जाके नहीं, मैंने कॉलेज में, मिरांडा हाउस में, कैंपस थिएटर में बहुत सारा काम किया, वो सादा डायरेक्शन में ही था। तो एक तरह से अपनी पाथ बनता गया। और क्योंकि मुझे डायरेक्शन में ये इंटरेस्ट था कि एक्टिंग के बारे में आप सोच सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और डिज़ाइन में मुझे थिएटर में इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा बढ़ गया लगता है और वो एक तरह से मेजर क्या कहें, कमिटमेंट वो बनता रहा। और कॉलेज थिएटर से लेके फिर ग्रुप्स अपने पे काम करना, और फिर मैंने 80s में एक कलेक्टिव सा ग्रुप बनाया जिसका नाम है विवादी, और उसमें हम लोग बहुत सारे मिल के काम करते थे, विजुअल आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स। तो जो कोलैबोरेशन का पॉसिबिलिटी होती है डायरेक्शन में, उसमें मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। तो मेरा ख्याल है उसने भी शायद कुछ अपना पार्ट प्ले किया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे एनएसडी की डायरेक्टर अनुराधा कपूर के साथ, जो कि जानी मानी रंगकर्मी भी हैं। हर नाटक में एक नया
स्पेक्टेटर होता है, एक नया दर्शक होता है, और वो दर्शक न केवल अपनी एक तरह से होराइजन लेके आता है पर नाटक उसका होराइजन बनाता है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हमारे साथ जानी मानी रंगकर्मी और NSD की डायरेक्टर अनुराधा कपूर। अनुराधा जी, आपने कहा कि देशांतर से होते हुए फिर इंग्लैंड से आपने थिएटर की आगे की पढ़ाई की और फिर आप वापस लौटी, तो देशांतर का फिर क्या हुआ, देशांतर के साथ आपका जुड़ाव कैसा रहा और फिर आपने स्वतंत्र रूप से डायरेक्शन में कैसे कदम रखा? जी, देशांतर का मुझे लगता है सबसे एक्टिव पीरियड 68 to 71, 72 था, जिसमें हमने बहुत सारे नाटक किए, और 72 के आसपास ओम शिवपुरी और कारण जी, पर ओम शिवपुरी पर्टिकुलरली और सुधा जी ने मेरा ख्याल डिसीजन कर लिया था कि बॉम्बे जाया जाए, तो देशांतर का फिर एक तरह से जो मेजर एक्टिविटी का थ्रस्ट था कम होता गया 73 के बाद। 76 में मैं बाहर चली गई और मैं लौटी 81 में, मैंने उस थिएटर में रिसर्च किया और थिएटर में डिग्री करके इंग्लैंड से मैं वापस आई। इस दौरान देशांतर की एक्टिविटी, जैसे मैंने आपसे कहा, कम होती चली गई थी, डिस्पर्सल भी हो गया था। उस वक्त होल टाइम एक्टिविटी करना थिएटर में, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत मुश्किल था, तो सब लोग जॉब करते थे और साथ ही थिएटर करते थे। तो जब मैं लौटी तो शाहजी, कारण जी अभी NSD में थे पर छोड़ के भारत भवन जा रहे थे, शाहजी डायरेक्टर थे, तो मैंने यहाँ NSD में मुझे वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाने की पोस्ट में आने का मौका मिला। और जो बाहर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी थी थिएटर की, वो जो पुराने ग्रुप्स थे जैसे अग्रदूत, जैसे अभियान, जैसे देशांतर, उनकी एक्टिविटी थोड़ी कुछ कम भी हुई थी उस दौरान, और नए ग्रुप्स भी इमर्ज कर रहे थे। तो जब मैं लौट के आई तो मैंने कुछ साल स्ट्रीट थिएटर भी किया और अपना ये जैसे एक ग्रुप फॉर्म किया जिसमें हम कोलैबोरेशन करते थे, जैसे मैंने आपसे कहा, और वो हमने 80s में फॉर्म किया। और जो देशांतर जैसे ग्रुप उस वक्त इनएक्टिव हो चुके थे, लोग डिस्पर्स हो चुके थे, तो हम सब एक तरह से दूसरे ग्रुप्स में आ गए और हमने वहाँ काम शुरू किया। ये जानना देखिए दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड से जिस थिएटर की पढ़ाई आपने यहाँ पढ़कर आई और फिर यहाँ भी आपने वर्ल्ड थिएटर ही पढ़ाना शुरू किया, जो कि ट्रेडिशनल थिएटर जो अपने यहाँ का था, उसके साथ कैसे एमलगमेट करने का कोई आइडिया भी कभी आपने एक्सप्लोर किया या उसको लेकर आपका अप्रोच क्या रहा? वैसे जो मेरा PhD है वो रामनगर की रामलीला पे है, और वो PhD मैंने इंग्लैंड में ही किया, पर उस वक्त ये पॉसिबिलिटीज थी जैसे कि आज हैं कि आप अगर ऐसा रिसर्च करते हैं जहाँ आपको फील्ड वर्क करने इंग्लैंड से बाहर आना पड़ता है, तो मैंने वो PhD यहाँ बेसिकली बनारस में ही किया। तो उस वक्त से मुझे ये इंटरेस्ट था, और मुझे लगता है कि सब थिएटर वालों को ये इंटरेस्ट रहता है कि किस तरह से मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का क्या एक दूसरे से कनेक्शन है, क्या बातचीत है। तो मेरा PhD जो किताब बनी बाद में, उस पर रामलीला पे है, और रामनगर की रामलीला पे है, जिसमें हर किस्म की स्पेक्टेटरशिप, किस किस्म से ऑडियंस बनती है, जो वो ऑडियंस से ही नाटक बनता है, ना कि एक्टरों से नाटक बनता है। तो ये जो चीज़ें थी वो मुझे लगता है कि मेरे काम में ये सवाल आता रहा है और मेरे ख्याल आज तक आता है कि हर नाटक में एक नया स्पेक्टेटर होता है, एक नया दर्शक होता है, और वो दर्शक न केवल अपनी एक तरह से होराइजन लेके आता है पर नाटक उसका होराइजन बनाता है। ये सब मुझे अपने ट्रेडिशनल थिएटर के रिसर्च में सोचने का मौका मिला। और फिर जब मैंने आपके यहाँ पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक खासियत है कि आप कभी भी कोई चीज़ एक इंडिपेंडेंट तरीके से या किसी चीज़ से अलग होके नहीं पढ़ा सकते। आप यहाँ वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ाती थी, तो अगर मॉलियर पढ़ा रहे हैं या शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं, एक तो ट्रांसलेशन में पढ़ाते हैं, दूसरा हमेशा ये कनेक्ट करके कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती नाटक में कि ये शेक्सपियर का नाटक है तो जैसे शेक्सपियरियन टाइम में हुआ करता था वो यहाँ हो, हमें ये नहीं मालूम कि वो क्या था। वो एक्टर्स के शरीर और बॉडी से निकलता हुआ एक टेक्स्ट होना चाहिए जो कि आज उसी तरह से रेलिवेंट होना चाहिए। हम म्यूजियम नहीं कर रहे बल्कि एक बड़ा लाइव आर्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये इस किस्म का इंटरेस्ट रहा सारा वक्त पढ़ाने में, और काम करने में भी एक तरह से इंटरेस्ट रहा डायरेक्शन में। जो टेक्स्ट उठाए मैंने वो
मॉडर्न इंडिया से कनेक्टेड रहे और एक जर्नी उसमें इसी तरह से रही। मुझे कुछ याद आता है ऐसा कि आपका ही कोई प्ले था जो बहुत हाईली एक्सपेरिमेंटल प्ले, मुझे ऐसा फर्स्ट उसके जब मैंने उसे देखा, जिसमें वो थालियों में, एक बड़े बड़े थालों में लोग कुछ बॉडी जेस्चर्स के साथ कुछ एक्सप्लोर, मुझे, मैं बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया। अगर मैं एक ट्रेडिशनल, मैं खुद जबकि शहरी थिएटर से और कॉन्टेम्प्रेरी थिएटर से थोड़ा सा एक्सपोज हूँ, तो ऐसे में एक बिल्कुल वो दर्शक जो कि रामनगर की रामलीला को अप्रिशिएट करते हुए बड़ा होता है, क्या वो उस एब्स्ट्रैक्ट या एक्सपेरिमेंटल थिएटर के साथ जोड़ पाता है ऐसा? ये मुझे लगता है इरफान जी, ये लंबी एक डिबेट है और आप सही कह रहे हैं कि कई नाटकों से हम नहीं जुड़ पाते, पर मुझे ये लगता है कि हम किसी भी एक ऑडियंस को एक किस्म का न माने। मतलब मुझे ये मालूम है कि रामनगर के ऐसे दर्शक हैं जो केवल सुनने में जिनकी दिलचस्पी है और जो नाटक देखते नहीं हैं, तुलसी की रामायण पढ़ते हैं जब, और बैठे कहाँ होते हैं जहाँ परफॉर्मेंस हो रही थी, कई इतनी दूर बैठे होते हैं कि उनको सुनाई कुछ नहीं देता, केवल दिखाई देता है। तो ये दो किस्म के, वहीं पर दो किस्म के दर्शक हो गए, उनको जो तार बांध रहा है वो तुलसी है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नाटक आजकल हम आज या 10 साल पहले देखें, तो वो नाटक कोई तयशुदा हमेशा एक ही शैली में बने, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होता है। इसलिए कि नाटक जैसी हाइब्रिड कला है नहीं, मतलब उसमें म्यूजिक भी है, परकशन भी है, डांस भी है, साउंड भी है, सब कुछ है। तो हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि ये नाटक है ये नहीं है, क्योंकि बहुत सालों पहले जिस किस्म का नाटक होता था वैसा आज नहीं होता, पर हम उसको नाटक भी मानते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन का मुझे लगता है कि ये है कि आप एक ऐसा फॉर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसे लगता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं उससे बेहतर पहुंचेगा। मुझे याद है कि मैंने अर्ली 90s में एक उमराव जान अदा का वर्जन किया था, उसको हमने उमराव का नाम दिया था, और उसमें उस किस्म की नॉवेल्स जैसे कोटजैन लिटरेचर में जिस किस्म का एंड है उसको क्वेश्चन किया था, और उमराव उसी में अपने आप के बारे में बात करती कि मैं ये भी कर सकती थी, ये भी कर सकती हूँ, पर मैं अब ये करती हूँ, और हमने उसको उसमें उस वक्त उत्तरा बावकर जी को कास्ट किया था। तो वो कास्टिंग ही एक स्टेटमेंट मुझे लगता था कि आप एक ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट करें जो उस वक्त खाले अर्ली 50s में होंगी, तो आप उमराव के एक तयशुदा इमेज के बारे में ऑडियंस, वो भी मुझे, वो मुझे याद है, वो भी उमराव, वो उत्तरा जी कर रही थी और उसमें कमला झरिया का एक की गजल का एक टुकड़ा जी, वो बहुत ही दिलचस्प था। बातें जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अनुराधा कपूर जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डायरेक्टर हैं, उनके साथ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। फिल्म की रीच इतनी ज़्यादा है, यही हमें दिखाई भी देता है और दिखना भी चाहिए कि शायद फिल्म में जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या फेम मिलती है तो वो इस किस्म से लगना लगता है कि वो ही मापदंड है। स्वागत है एक बार फिर से, आप देख रहे हैं गुफ्तगू और हमारे साथ हैं जानी मानी रंगकर्मी अनुराधा कपूर जो कि NSD की डायरेक्टर भी हैं। अनुराधा जी, जब आप पढ़ा रही होती हैं, यहाँ पढ़ा रही थी या थिएटर कर रही थी बाहर, तब आपका एक रोल था, और अब जबकि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में खुद डायरेक्टर हैं और कुछ चीज़ें आपके फैसले से होती हैं, बिल्कुल दूसरा रोल है। इन दोनों में कहीं कोई टकराहट है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि कई बार आप बाहर रहकर सोचते हैं कि अगर हम इस काम को कर रहे होते जी, तो हम ऐसे करते, तो क्या इतना कर पाने की आज़ादी है और क्या आप वो कर पा रही हैं और इस काम को एंजॉय कर पा रही हैं? देखिए, पढ़ाना तो एक तरह से मेरा एक लाइफ ब्लड ही समझिए। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ बातचीत और स्टूडेंट्स के साथ काम डिवेलप करना बहुत मेरे पूरे करियर जो अब ऑलमोस्ट 30 years का हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट रहा। जो यहाँ निदेशक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी होता है, पर उसमें सबसे इंटरेस्टिंग हमारे लिए ये होता है कि हम ये कर पाएँ कि आप किस किस्म का आगे फ्यूचर एक्टर बनाना चाहते हैं, किस किस्म की थिएटर एक्टिविटी आप देखना चाहते हैं। तो उसमें जो एक बातचीत, डिबेट,
एक डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट उसके बारे में सोचें। तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये सिखा पाएँ कि फ्रीडम क्या होती है, क्योंकि फ्रीडम एक तरह से ये नहीं होती कि बिल्कुल एक आप खुल के जो अपने आप करना चाहें वो ही करें, पर आप सोशल एक दायरे से कैसे जुड़ते हैं, आप सेंसिटिव कैसे हैं सोशल रियलिटीज़ में, और दूसरी के हम जो पढ़ाते हैं वो आगे जाके आपको एक फ्यूचर आपका स्क्रिप्ट कर पाए, डिटर्मिन ना कर पाए। मुझे ये लगता है कि एडुकेशन का मतलब होता है कि आपके कनेक्शंस बनाने की एबिलिटी तेज होती चली जाए, न कि आप डिटर्मिन कर दें कि इसी रास्ते पे आप चलें, वो करना गलत होगा ना, हो भी नहीं सकता मुझे लगता है। देखिए इधर हाल के बरसों में ये बात आने लग गई है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि देश का एक अकेला थिएटर स्कूल है, नेशनल स्कूल है, उसमें भी ऐसी प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती जो से आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले तक आती होंगी। लगातार स्टूडेंट्स की क्वालिटी में गिरावट, तो उसकी वजह क्या पूरे देश में मौजूद किसी थिएटर में, थिएटर प्रैक्टिस में आई किसी गिरावट को आप मानती हैं, या क्या वजह है? मतलब एक दौर वो भी है जबकि थिएटर से निकल कर के रत्नथियम जैसे लोग थिएटर ही करते हुए थिएटर को डेवलप कर रहे हैं, या और भी दूसरे लोग, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहें तो कैसे करती हैं? मुझे एक तो कि हम हमेशा ये एक ये भी देखते हैं कि फिल्म में, क्योंकि फिल्म की रीच इतनी ज़्यादा है, यही हमें दिखाई भी देता है और दिखना भी चाहिए कि शायद फिल्म में जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या फेम मिलती है तो वो इस कस्म से लगना लगता है कि वो ही मापदंड है। पर मैं ये महसूस करती हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रीजन्स में जाके काम करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि एक मेजर गिरावट है। स्टार्स और एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना एक्टिंग सीखना। तो अगर हमारे पास ज़्यादा रेपिट्री, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हों जहाँ यंग पीपल जो वो सीखते हैं, सीख के निकलते हैं, उसका अपॉर्चुनिटी मिले, तो मुझे लगता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारी गिरावट आई। मैं आपसे एक बहुत पॉइंट ब्लैंक, एक बहुत क्लियर कट सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर ये जो बरसों से चला आ रहा और करोड़ों रुपए इस स्कूल पर खर्च किए जाते हैं, अगर ये स्कूल ना हो तो हम क्या मिस करेंगे? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आप पूछ रहे हैं। मैं इसका दो तरह से जवाब देती हूँ। मुझे लगता है जैसे किसी भी लिबरल आर्ट्स की इंस्टीट्यूशन, और इसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मानूंगी सिर्फ आर्ट्स इंस्टीट्यूशन नहीं है पर लिबरल आर्ट्स का भी इंस्टीट्यूशन है, उसको उसका इमीडिएट रिजल्ट कभी भी नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने साइंटिस्ट प्रोड्यूस किया और साइंटिस्ट ने दो साल बाद एक ऐसी डिस्कवरी की जो वर्ल्ड चेंजिंग हो, जैसे वहाँ नहीं होता यहाँ पर भी नहीं होता, और लिबरल आर्ट्स में तो और भी कम होते हैं, और उसका जाके इफेक्ट क्या होता है वो बहुत इंटेंजिबल भी होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम इस सवाल को दूसरी तरह से देखें और हम अगर आज कहें कि यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर पढ़ाना या फिलोसफी पढ़ाना न हो तो क्या होगा? मुझे लगता है इमीडिएटली शायद कुछ ना हो पर लॉन्ग टर्म बहुत कुछ होगा। और मैं आपको इसका एग्जांपल ये देना चाहती हूँ कि जैसे स्कूल्स में जब आप थिएटर पढ़ाते हैं और थिएटर की सेंसिबिलिटी एक स्कूल में देते हैं, तो वो जो लाइफ चेंजिंग इफेक्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के, वो इसमें नहीं दिखते कि हम थिएटर में गए कि नहीं, एक्टर बने कि नहीं, पर आपकी सेंसिबिलिटी में दिखते हैं। और आखिर में आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इस पूरी बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात जो आप अपनी तरफ से कहना चाहती थी और वो सवाल मैंने नहीं पूछा तो आप हमसे कह सकती हैं? मुझे लगता है मैं यही, एक तरह से आपने पूछा तो उसी का आगे मैं कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हम हमेशा एक इंस्टेंट रिजल्ट न मांगें किसी भी इंस्टीट्यूशन से, नहीं एक्टर से, नहीं तो मैच्योरिटी जो एक तरह से हम मान के चलते हैं कि ओम शिवपुरी जैसे एक्टर, सुधा जी जैसे एक्टर, इरफान जैसे एक्टर्स, सीमा विश्वास, ये जब काम अब करते हैं तो एक जो मैच्योरिटी आती चली जाती है वो काम में आती है। तो ये जो एक सेंस है कि हमें लगना चाहिए कि इंस्टेंट सक्सेस भी हो या इंस्टेंट रिकग्निशन भी हो, तो कभी कभी थिएटर में कम मिलती, देर लगती है। तो उस किस्म की पेशेंस भी ज़रूरी है और उस किस्म का पैशन भी ज़रूरी है। मुझे मालूम नहीं कि हम ये सिखा पाते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे वोकेशन या हॉबी या अपने प्रोफेशन में है, बस इतना ही मेरे मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया।
ये थी अनुराधा कपूर, जानी मानी रंगकर्मी और NSD की डायरेक्टर। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।